अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर होगा जिसने आपको कहा होगा, अरे भाई एक बहुत जबरदस्त स्कीम आई है, उसके अंदर अगर तू इन्वेस्ट करेगा तो कुछ ही महीनों में तेरा पैसा डबल हो जाएगा या फिर तुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने भी इन्वेस्ट किया है और मेरे आसपास में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो स्कीम्स होती हैं इनको पोंजी स्कीम कहते हैं या फिर आप इनको पोंजी स्कैम भी कह सकते हैं। अब मैं स्कीम भी बोल रहा हूँ स्कैम भी बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इन स्कीम्स के अंदर जो इनिशियली पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको तो रिटर्न मिल जाता है, लेकिन जो लोग बाद में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ स्कैम हो जाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इनको पोंजी क्यों कहते हैं, कुछ और नाम से क्यों नहीं जानते? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है ये इंसान जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसका नाम था चार्ल्स पोंजी। इसने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था और स्कैम इतना बड़ा था कि बहुत सारे देशों की जो बैंकें थी वो बैंकरप्ट हो गई, उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने कस्टमर्स के पैसे रिटर्न कर पाती। तो दोस्तों ये जो चार्ल्स पोंजी था ये कहां से आया और कैसे इसने इतना बड़ा स्कैम किया जानेंगे आज के वीडियो के अंदर, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं चार्ल्स पोंजी के स्कैम के बारे में। देखिए 3 मार्च 1882 को इटली में चार्ल्स का जन्म होता है। उसकी जो फैमिली थी काफी रिच थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि फैमिली इश्यूज की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और चार्ल्स को अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में पोस्टल वर्कर की जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद में उसके पेरेंट्स कुछ पैसे जुटाते हैं और उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा देते हैं ताकि उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। लेकिन दोस्तों जब वो कॉलेज में जाता है तो वो कभी भी कॉलेज के लेक्चर में बैठता ही नहीं था, वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही रहा करता था और जो भी पेरेंट्स की तरफ से उसको पैसे मिलते थे उनका इस्तेमाल वो गैम्बलिंग में करता था, कैफे बार में जाने के लिए करता था और साथ ही साथ में लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए करता था। तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद में उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती नहीं है और जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद में उसको कहते हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, तुम एक काम करो कहीं पर जॉब ढूंढ लो। दोस्तों उस टाइम इटली में क्या होता था कि जो भी यंगस्टर्स लोग थे वो सारे के सारे यूएस चले जाते थे और वहां पर जाकर जॉब किया करते थे। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम भी एक काम करो यूएस चले जाओ, वहां पर कोई जॉब कर लो, तुमको अच्छे पैसे वहां पर मिल जाएंगे। तो ये 1903 के अंदर यूएस के बोस्टन में चला जाता है और वहां पे एक रेस्टोरेंट में इसको बर्तन धोने की जॉब मिल जाती है। अब दोस्तों इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी जिसकी वजह से कुछ ही टाइम बाद इसको प्रमोट कर दिया जाता है और इसको वेटर बना दिया जाता है। अब वेटर बनने के बाद में डायरेक्टली ये कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने लग गया। अब दोस्तों कस्टमर इंटरेक्शन की वजह से इसको एक मौका मिला कि ये कस्टमर के साथ फ्रॉड कर सके और इसने कुछ कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करना शुरू किया। उसके बाद में जब बात मैनेजमेंट को पता चली तो डायरेक्टली इसको जॉब से निकाल दिया गया। फिर इसको जॉब मिल नहीं रही थी, ये यहाँ वहाँ भटकने लगा, इसके पास पैसे की भी कमी हो गई। तो उसके बाद में 1907 के अंदर ये यूएस से कनाडा चला गया और वहाँ पर एक बैंक के अंदर इसको जॉब मिल गई। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी कि किसी को भी कन्विंस कर सकता था और साथ ही साथ में इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आती थी, जैसे कि इसको फ्रेंच भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी और इटालियन भी आती थी, जिसकी वजह से इसको बैंक के अंदर कैशियर की जॉब मिल जाती है और उसके बाद में ये वहां पे काम करने लग जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जिस बैंक के अंदर काम कर रहा था उस बैंक की पॉलिसी क्या थी, वो अपने कस्टमर्स को 6% का रिटर्न देती थी, वहीं बाकी की जो दूसरी बैंक्स थी वो 3 से 4% का रिटर्न दिया करती थी। तो जितने भी आसपास के लोग थे वो अपने पैसे को इसी बैंक में रखा करते थे और जो भी उनको प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को वापस से बैंक के अंदर ही डाल दिया करते थे। कस्टमर का ट्रस्ट बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा था क्योंकि बैंक टाइम टू टाइम उनको इंटरेस्ट पे कर रही थी। अब दोस्तों होता क्या है, उस बैंक के अंदर चार्ल्स को कैशियर से मैनेजर बना दिया जाता है और उसके बाद में जब ये काम करते रहता है को एक चीज रियलाइज होती है कि बैंक जो कस्टमर को 6% का इंटरेस्ट दे रही है वो अपने प्रॉफिट से नहीं दे रही है, बल्कि एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर का पैसा दे रही है और काफी टाइम से इसकी टोपी उसके सर कर रही है। उसके बाद में वो सोचता है कि वो अपने मालिक से बात करेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, उसका जो मालिक होता है सारे के सारे पैसे लेके वहां से भाग जाता है और जो कस्टमर्स होते हैं पैसे निकालने की कोशिश करते हैं तो पैसे निकलते नहीं है और उसके बाद में वो बैंक के ऊपर हमला बोल देते हैं। वहां पे उनको ना तो बैंक का मालिक मिलता है और ना ही मैनेजर। उसके बाद में सारे कस्टमर्स उनको ढूंढने लग जाते हैं और ये जो चार्ल्स था छुपते छुपाते फिर रहा था। अब दोस्तों इतने बड़े फ्रॉड के अंदर इसका नाम आया हुआ था तो इसको दूसरी जॉब तो मिल नहीं सकती थी और पैसे की भी कमी होने लग गई, तो इसने सोचा क्यों ना ये चोरी करे और वहां से इसको कुछ पैसे मिलेंगे। तो इसके पास कस्टमर का सारा डेटा था, तो इसने क्या किया, कस्टमर के डेटा के अंदर से एक कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट की जिसका बहुत बड़ा वेयरहाउस था। तो इसने सोचा उस वेयरहाउस में जाऊंगा, वहां से कुछ पैसे की चोरी करूंगा। तो ये वेयरहाउस में घुस जाता है और वहां पे चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको पैसे मिलते नहीं है, खाली कुछ फाइल्स मिलती है और फाइल के अंदर एक चेकबुक मिलती है। तो इसने क्या किया, एक चेक बनाया जिसके ऊपर $423 का अमाउंट लिखा और साथ ही साथ में जो फाइल्स थी वहां से डायरेक्टर का साइन देखकर साइन कर दिया और उसके बाद में अगले दिन उस चेक को लेकर बैंक में चला गया। लेकिन बदकिस्मती से वो जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है और इसको पुलिस पकड़ लेती है और 3 साल के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों सजा कंप्लीट करने के बाद में 1911
में जेल से बाहर आता है और उसके बाद में कनाडा से फिर से यूएस में चला जाता है और वहां जाके जॉब ढूंढने लगता है। फिर इसकी मुलाकात एक ऐसे ग्रुप से होती है जो इटालियन पब्लिक को बॉर्डर क्रॉस करा के यूएस में लेकर आते थे और उसके बदले में उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था, तो ये उनसे जुड़ जाता है और ये भी वही काम करने लगता है। उसके बाद में पुलिस एक बार फिर से इसको पकड़ लेती है और 2 साल के लिए अटलांटा जेल में डाल देती है। सजा कंप्लीट करने के बाद में जब ये जेल से बाहर निकलता है तो बॉस्टन में ही इसको एक माइनिंग कैंप के अंदर काम मिल जाता है। तो वहां पे ये एक चीज रियलाइज करता है कि जो भी माइनिंग करने वाले होते हैं उनको 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक तो होता है पानी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसने सोचा क्यों ना मैं माइनिंग करने वालों को ये दोनों चीजें सप्लाई करूं तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा। वो इस आइडिया के ऊपर काम करने ही वाला होता है कि माइनिंग कैंप के अंदर आग लग जाती है और एक नर्स बुरी तरीके से जल जाती है, उसकी सर्जरी के लिए स्किन की जरूरत पड़ती है। तो चार्ल्स क्या करता है अपने थाइस से और अपने बैक से स्किन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से उसको एलर्जी भी होती है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है और साथ ही साथ में उसकी जॉब तो चली गई होती है। वो जॉब ढूंढते रहता है, तब तक उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है रोज मारिया। अब दोस्तों रोज मारिया से इसको प्यार हो जाता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। और दोस्तों रोज मारिया के जो पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे, उनके अलग अलग प्रकार के बिजनेस थे जैसे किराने का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, साथ ही साथ में फल बेचने का बिजनेस। तो इसने क्या किया अपने ससुर जी के साथ मिलकर हर एक बिजनेस को ट्राई किया लेकिन किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके बाद में इसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना एक इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल निकाला जाए और उसके बाद में उसको प्रिंट करवा के अलग अलग देशों में भेजा जाए और उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल था, ये एक तरह की मैगजीन थी, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज थे। तो इसने क्या सोचा कि मैं अलग अलग लोगों को बिजनेस आइडियाज भेजूंगा, अगर किसी को भी कोई बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट होगा तो मैं उसको हेल्प करूंगा और मुझे वहां से पैसे मिलेंगे। लेकिन इनिशियली इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर इसको धीरे धीरे लेटर आने लग गए जिसके अंदर लोग इसको पूछने लग गए कि ये पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक बार क्या होता है जब ये लेटर पढ़ रहा होता है तो लेटर के अंदर इसको एक इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन मिलता है और इसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना कूपन का बिजनेस शुरू किया जाए। अब दोस्तों ये इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन ये होता है कि मान लीजिए आपको किसी ने लेटर भेजा तो उस लेटर का अगर आपको रिप्लाई करना है तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली उस कूपन को लेटर के ऊपर चिपका देना है और उसके बाद में पोस्ट कर देना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सामने वाले के पास चला जाएगा। तो उसके बाद में रिसर्च करना शुरू करता है तो इसको एक चीज़ रियलाइज होती है, जो कूपन का प्राइस था वो इटली में बहुत सस्ता था लेकिन यूएस में वही कूपन बहुत महंगा बिकता था। तो इसने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इटली से खरीद कर यूएस में बेच दूं, बीच में जो भी पैसा बचेगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और इसके पास पैसे तो थे नहीं, तो ये बैंक में जाता है और बैंक भी इसको पैसा देने से मना कर देता है। फिर दोस्तों ये सोचता है कि अगर मैं डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लूं और जो पैसा मुझे मिलेगा उसको मैं अपने बिजनेस में डालूं और मुझे जो प्रॉफिट होगा उसमें से सर्टन हिस्सा मैं लोगों को वापस दे दूंगा तो इससे मैं भी पैसे कमा पाऊंगा और साथ ही साथ में लोग भी पैसे कमा पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इसने एक स्कीम निकाली और लोगों को कहा कि अगर कोई भी इसको पैसा देगा तो 45 दिन में ये उनको 50% का रिटर्न देगा और 90 दिन के अंदर 100% का रिटर्न। मतलब अगर कोई इसको 1 लाख रुपए देगा तो 90 दिन के बाद में उसको 2 लाख रुपए मिलेगा, मतलब 90 दिन में पैसे डबल। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, लोगों को कन्विंस करने की जो स्किल थी वो काफी अच्छी थी, तो लोग इससे बहुत ही आसानी से कन्विंस हो गए और उसके बाद में इसके फ्रेंड्स ने, फैमिली मेंबर ने और अनजान लोगों ने भी इसको पैसे देने शुरू कर दिए। और उसके बाद में 1920 के अंदर इसने अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा द सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी। और दोस्तों उसके बाद में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने कमीशन बेसिस पे कुछ एजेंट को भी हायर किया और सिर्फ 2 महीनों के अंदर इनको $25,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मिल गया और इनका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो कर रहा था कि इन्होंने अलग अलग जगहों पे भी अपने ऑफिसेस खोल दिए थे, जैसे कि इंग्लैंड में भी खोला था और साथ ही साथ में न्यू जर्सी में भी खोला था। और 6 महीने कंप्लीट होते होते इनको टोटल $2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी थी। और उसके बाद में दोस्तों ऐसे दिन भी आने लग गए कि रोजाना इनको $1 मिलियन के अंदर इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। अब दोस्तों ये क्या करते थे, ये लोगों को रिटर्न भी देते थे जिससे लोगों का भरोसा बना रहता था और ज्यादा लोग इनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे। और बहुत सारे लोग तो क्या करते थे, उनको जो भी प्रॉफिट होता था उसको फिर से री इन्वेस्ट कर देते थे ताकि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम बॉस्टन के अंदर जो पुलिस वाले थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनमें से 75% लोग ऐसे थे जो अपने पैसे को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा इसमें गलत क्या है, वैसे भी कंपनी तो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन का बिजनेस कर रही है और उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंपनी बिजनेस तो कर रही थी लेकिन बहुत ही कम कूपन का बिजनेस कर रही थी ताकि लोगों को ये लगता रहे कि कंपनी एक्चुअल में काम कर रही है, लेकिन जितने पैसे इनको मिल रहे थे उतने के कूपन खरीदे नहीं जा रहे थे। क्योंकि आप खुद सोचिए, इनको रोजाना के $1 मिलियन मिल रहे थे और एक जो कूपन होता था 1 सेंट का आता था
और $1 के अंदर 100 सेंट होते हैं और इनको $1 मिलियन की फंडिंग मिल रही थी, तो उस हिसाब से इनको टाइटेनिक से भी बड़े जहाज की जरूरत पड़ती थी इटली से कूपन को यूएस में लाने के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, सिर्फ थोड़े बहुत कूपन खरीदे और बेचे जाते थे, बाकी का जो पैसा था वो चार्ल्स पोंजी के पास जा रहा था। और इन्होंने क्या किया था, अलग अलग देशों में अपने लिए बंगले खरीदे थे और जो भी महंगी महंगी गाड़ियां थी वो खरीदी थी। इसके अलावा अलग अलग देशों में जो बैंक थे उनके अंदर भी इन्होंने अकाउंट ओपन करवाए थे और बहुत सारे पैसे रखे थे। और साथ ही साथ में इन्होंने अलग अलग प्रकार के बिजनेस शुरू किए, उन बिजनेस से जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट से ये टाइम टाइम पे कुछ लोगों को पैसे रिटर्न कर दिया करते थे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। उसके बाद में दोस्तों इस कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा होने लग गई थी कि मीडिया वालों की भी नजर इस पे पड़ गई, लेकिन चार्ल्स पोंजी इतना अमीर हो गया था कि पूरे के पूरे सिस्टम को खरीद सकता था। तो अगर कोई भी इसके या इसकी कंपनी के खिलाफ बोलता था तो उसके खिलाफ ये मानहानि का केस कर देता। और एक बार क्या हुआ, इसने मानहानि का केस जीत भी लिया और इसको $5 लाख मिले थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां इसके खिलाफ बोलने लग गई और जो लोग थे वो घबरा गए और इससे बोलने लगे कि हमारे पैसे रिटर्न दे दो। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, कुछ लोगों के पैसे रिटर्न दे दिए, जिससे बाकी के लोगों को लगा कि कंपनी सही है, टाइम पे पैसे दे रही है, मतलब हमारा जो पैसा है वो सेफ है, कहीं भी डूबेगा नहीं। उसके बाद में लोग फिर से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने लग गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसके कुछ ही दिन बाद द बोस्टन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपता है जिसके अंदर कहा जाता है कि ये कंपनी सही है, आप इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और भी ज्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने लग गए। लेकिन उसके बाद एक और आर्टिकल छपता है जिसको छापा था मिस्टर बैरोन ने, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, और उनका कहना यह था कि भले ही कंपनी लोगों को रिटर्न दे रही है लेकिन कंपनी एक्चुअल में कूपन खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करती नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे कंपनी को मिल रहे हैं उस हिसाब से 160 मिलियन कूपन सर्कुलेशन में होने चाहिए लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 27,000 ही कूपन सर्कुलेशन में है। इसके अलावा यूएस के पोस्ट ऑफिस से भी कंफर्म किया कि कभी भी उन्होंने इस कंपनी से बल्क में कूपन खरीदे ही नहीं। और दोस्तों जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ लोगों ने पढ़ा और उसके बाद में वो अपने पैसे की डिमांड करने लग गए, तो चार्ल्स पोंजी ने क्या किया, $20 मिलियन लौटा दिए और लोगों को भरोसा दिलाया कि हमारी जो कंपनी है सही कर रही है, ये स्कीम गलत नहीं है, आपके पैसे सेफ है, आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद में गवर्नमेंट भी इस मैटर के अंदर आ गई और उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को असाइन किया इस पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट करने के लिए। और साथ ही साथ में चार्ल्स पोंजी के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि वो एक पब्लिसिस्ट और जर्नलिस्ट को हायर करे ताकि सारी चीजों की जांच वो ढंग से कर पाए। और उसके बाद में उन्होंने हायर किया एक इंसान को जिसका नाम था विलियम मैकमास्टर। इन्होंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो उनको एक चीज रियलाइज हुई कि कंपनी के अंदर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, जैसा कंपनी बोल रही है एक्चुअल में वैसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर के पैसे हैं उनसे कूपन नहीं खरीदे जा रहे हैं बल्कि एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को दिया जा रहा है, मतलब इसकी टोपी उसके सर की जा रही है और लोगों को पैसे डबल करने का लालच देके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। जैसे ही आर्टिकल पब्लिश हुआ उसके बाद में लोग भड़क गए और वो कंपनी के ऑफिस में चले गए, पैसे की डिमांड करने लग गए। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, चार्ल्स पोंजी ने अपने पैसों को अलग अलग देशों की बैंक के अंदर रखा था, तो बहुत सारी बैंकें तो ऐसी थी कि उस टाइम पे उनके पास पैसे ही नहीं थे वापस देने के लिए, और साथ ही साथ में कई सारी बैंक तो कोलैप्स भी हो गई। और उसके बाद में चार्ल्स पोंजी को जेल में डाल दिया गया और उनके जितने भी एसेट्स थे, जो भी चीज़ें थी, उन सबको बेचकर रिकवरी की गई और जो भी इन्वेस्टर थे उनके पैसे दिए गए, तो सिर्फ 30% ही रिकवरी हो पाई। तो आप यूँ समझ लीजिए, जिन लोगों ने भी लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको सिर्फ 30,000 ही रिटर्न मिले, बाकी के 70,000 उनके डूब गए। तो दोस्तों ये स्कैम इतना बड़ा स्कैम था कि कई सारी बैंक्स को कोलैप्स कर दिया और बहुत सारे लोग इस स्कैम से सालों तक उभर नहीं पाए। सो दोस्तों ऐसा कोई स्कैम आपने इंडिया में भी अगर देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टोरी के बारे में पता चले। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_rajnikantsharma। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।